नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। आज न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ चंबा के कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता कर 3 मार्च को विधानसभा के किए जाने वाले घेराव को लेकर जानकारी दी। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ चंबा के अध्यक्ष सुनील जरियाल ने बताया कि आने वाले बजट सत्र के दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के बारे में रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र के दौरान मंडी के सेरी मंच से शिमला तक एक पैदल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के भी कर्मचारी शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 मार्च को हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और यह घेराव आंदोलनकारी घेराव होगा। जीओ के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इसका लगभग मतलब यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एनजीओ के साथ कवर अप हैं, जो वो सभी हमारे साथ हैं। तो आज इस ओल्ड पेंशन के मसले पे जिसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल बुलाई है, वो सिंगल वन लाइन एजेंडा है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। और इसके संदर्भ में मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे मीडिया ने पहले भी प्रमुखता छापा है, कि जो बजट सत्र हमारा आ रहा है, इस बजट सत्र के दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जो है वो मंडी से 23 फरवरी से, जिस दिन से बजट शुरू होगा, वहाँ पर हमारे राज्यपाल महोदय जी जो बजट अभिभाषण शुरू करेंगे, तो हम लोग जो है वहाँ पर वहाँ से शुरुआत करेंगे पद यात्रा की, जिसकी बारे में जो पिछली सूचना जो आप लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन जो उसकी पद यात्रा की शुरुआत होगी वो मुख्य वहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच से हमारी जो है वो पद यात्रा शुरू होगी और वो लगातार चलती रहेगी 3 मार्च तक। 3 मार्च को हमारा वहाँ पर ऐतिहासिक धरना होगा, जिसमें सभी कर्मचारी महासंघ जो है वो मिलकर एनपीएस महासंघ के साथ एक साथ चलेंगे। पूर्व में भी सभी संघों का सहयोग रहा है और अभी भी ये संघ हमारे सभी साथ हैं और हम सब मिलजुल करके इस ओल्ड पेंशन की जो सिंगल लाइन एजेंडा है उसकी मांग के लिए आगे चलेंगे। और आपके माध्यम से एक जो मैंने अभी आरटीआई हम लोगों को एक आरटीआई मिली थी, जो सरकार ने जवाब दिया था 10 दिसंबर को सत्र के दौरान, कि ओल्ड पेंशन बहाली के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक मुश्त की जरूरत है और आवर्ती जो है वो 500 करोड़ रुपया चाहिए। तो उसके संदर्भ में हमने एक आरटीआई जो थी वो पीएफआरडीए से ऑनलाइन भी लगाई थी और एक हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, जो एक सर्टिफाइड डाटा है, उसको भी लगाई थी। तो उस आरटीआई के अनुसार दिसंबर माह तक, जो कि कॉपी आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवाई है, कि 2702 करोड़ रुपया जो है वो कर्मचारियों को एनएसडीएल कंपनी में फंसा हुआ है। जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 3116 करोड़ फंसा हुआ है और टोटल जो वैल्यू है जो दिसंबर तक है वो 5819 करोड़ रुपया जो है वो फंसा हुआ है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है 7442 करोड़ टोटल अमाउंट जो इस कंपनी में फंसा हुआ है कर्मचारियों का। ये है पीएफआरडीए की इंफॉर्मेशन और ये है हमारे पास विधानसभा का जो क्वेश्चन है, जो जवाब मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, जिसमें मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि अगर सरकार ये कहती है, जो ये हमारा क्वेश्चन माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, रामलाल ठाकुर जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और जग सिंह नेगी जी ने लगाया था और उसका जवाब जो दिया था हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उस जवाब में उन्होंने भाग ख में लिखा है कि पुरानी पेंशन वाली के लिए एक मुश्त अनुमानित 2000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये डाटा वो है और 500 करोड़ का जो है वो अतिरिक्त जो हर वर्ष व्यय होगा। जब इतने पैसे की आवश्यकता है और इसमें भी क्या है कि इस आरटीआई से क्लियर है कि गवर्नमेंट को हर साल लगभग 700 करोड़ रुपया जो है वो अपनी ओर से एनपीएस कर्मचारियों के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, जबकि ओल्ड पेंशन शुरू करने के लिए वहां पर जो आवर्ती बजट की बात की गई है वो है 500 करोड़ की। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए की जरूरत है ओल्ड पेंशन शुरू करने के लिए। हम ये चाहते हैं, टेबल टॉक के लिए भी हमने समय मांगा था सरकार से, जो अभी तक नहीं हुआ है। कमेटी गठन की इन्होंने आश्वासन दिया धर्मशाला में, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई ना उसकी, क्योंकि हमने उसमें एक महीने का टाइम दिया था कि एक महीने में अगर कमेटी फ्रेम होती है तो हम लोग उनका ये जो स्टेप है रैली का या धरने का घेराव का वो नहीं लेते, क्योंकि वार्ता का रास्ता खुलता तो हम लोग वो स्टेप नहीं लेते, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है कि हम लोग वो स्टेप लें और उसके लिए अब हम लोग तैयारी में हैं। एक चीज जो यहाँ पर देखने वाली है कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली होती है उसमें सरकार को एक रुपया भी कर्मचारियों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में हर साल सरकार को लगभग 700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्यों वो सरकार वो पैसा जो है वो 700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर है? क्या वो शर्तें हैं जिनके तहत वो ओल्ड पेंशन रिस्टोर नहीं कर रहे हैं?
जबकि अब तो हमारे जो मुख्य दल है, पिछले कल ही या दो दिन पहले ही आपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की स्टेटमेंट सुनी है कि सरकार को चाहिए कि अगर कर्मचारियों को बुढ़ापे में सुरक्षा नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन की बहाली की जानी चाहिए और सरकार अपने सोर्सेस देखे। हमारे शांता कुमार जी का बयान इससे पहले आ चुका है। उसके बाद जो हमारे अभी 5 राज्यों में चुनाव चले हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से खुले तौर पर कहा गया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से हरीश रावत जी का बयान आया है कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो राज्य के सोर्सेज हैं, जो कल हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी ने बात कही है, उसमें ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसमें हरीश रावत जी ने कि हम अपने राज्य के रिसोर्सेज देखेंगे और ओल्ड पेंशन बहाली का रास्ता जो है वो प्रशस्त करेंगे। जब सब कुछ हो रहा है, हर स्टेट कर रही है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ये क्यों नहीं कर रही, सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ से आपके माध्यम से है। दूसरा, बजट सत्र शुरू हो रहा है, हम लोगों ने अपना प्लान दे दिया है सरकार को कि हम इस तरह से आ रहे हैं। अब सरकार पे है कि वो क्या चाहती है। अगर उसने वो वार्ता चाहती थी तो जब दिसंबर में उन्होंने कमेटी बनाई थी तो फिर उस कमेटी पे काम क्यों नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा सवाल है। और आप सभी मीडिया के बंधुओं के साथ मैं ये अपील करूंगा अपने सभी चंबा जिला के कर्मचारियों से, हर खंड के कि साथियों तैयार हो जाइए, ओल्ड पेंशन बहाली की लड़ाई है, इतनी आसानी से हल नहीं होगी और हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ से मैं संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग सभी साथी जो है इस जो हमारा आवाहन है, क्योंकि कल हम लोग 22 तारीख को कुछ साथी चंबा के साथी भी उस पदयात्रा में भाग लेंगे, तो कल हम यहाँ से निकलेंगे और वहाँ मंडी से 23 तारीख को होने वाली उस ऐतिहासिक पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही साथ जो 2 तारीख को हमारी यहाँ से मूवमेंट होगी, जिसमें कि हमने हर डिपार्टमेंट से सहयोग मांगा है, हर विभाग से सहयोग मांगा है कि वो सहयोग करें और हमारा जो है वो ओल्ड पेंशन का जो ये मोटिव है, सिंगल लाइन एजेंडा हर डिपार्टमेंट का, उसमें हम कामयाब हों।